शेयर कर रही हूँ जो मोस्ट फेवरेट, मोस्ट डिलीशियस और मोस्ट पॉपुलर है। एग्जैक्टली वेज हाका नूडल। पर हाँ, मैं वीट वेज हाका नूडल तैयार कर रही हूँ, तो शुरू करें। वेज हाका नूडल तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजेस ले लिए हैं जिनको स्लाइसेस में कट कर लिया है, और साथ ही मैं ये नूडल मैं होल व्हीट नूडल से तैयार कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर होल व्हीट नूडल ही लिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसे हम बॉईल कर लेते हैं। एक बार नूडल्स बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप जितना पानी ले लिया है और वो अच्छे से बॉईल हो गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ, जिसकी वजह से हमारे नूडल्स एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और अब इसके अंदर मैं ये जो नूडल है हमारे पास वो डाल देती हूँ। इसे अच्छे से एक बार बॉईल हो जाने देते हैं हम। नूडल अच्छे से बॉईल हो गए हैं और कुक भी हो गए हैं, तो इसे एक बार स्ट्रेन कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं हमारे सारे नूडल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल चिपके नहीं है। ये ओवर कुक भी नहीं है और ये अंडर कुक भी नहीं है। तो आइए अब हम हमारी वेजेस को भी एक तड़का लगा देते हैं और फटाफट से तैयार कर लेते हैं हमारे हक्का नूडल्स। वेजिटेबल्स कुक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो अनियन है वो डाल देती हूँ एक बार, और इन अनियंस को एक बार सौते कर लेते हैं। अनियन अच्छे से सौते हो गई है, तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास कटी हुई गाजर है वो भी डाल देती हूँ। हाका नूडल्स तैयार करने के लिए वेजिटेबल्स हम हमेशा ही हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। हाई फ्लेम पर कुक किए हुए वेजिटेबल्स जो होते हैं वो क्रंची से रहते हैं, हमें उन्हें ज़्यादा प्रॉपर कुक नहीं करना होता है, ओवर कुक नहीं करना होता है, हमें इन्हें अंडर कुक ही रखना होता है। तो बस इसी टाइम पर अब मैं ये जो मेरे पास 3 कलर के बेल पेपर्स हैं वो भी डाल देती हूँ। इसे अच्छे से एक बार कुक हो जाने देते हैं। बस इसी टाइम पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। बेल पेपर्स तो कुक हो ही गए हैं, तो इसी टाइम पर ये जो पतली सी कटी हुई कैबेज है, मैंने ज़्यादा पतली कट नहीं किया है इसको, इसे रूटीन में हम मार्केट में खाते हैं बस उसी तरह से कट कर रखा है, एक बार वो भी ऐड कर दिया है। मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप चाहो तो हरी मिर्ची वेजेस के साथ कट करके डाल सकते हो, और साथ ही में ये जो नूडल है मेरे पास वो भी डाल देती हूँ मैं। इसे एक हल्का सा स्टर दे देते हैं हम। इसी के साथ मैं यहाँ पर नूडल के अंदर थोड़ा सा ये नूडल मसाला मिलता है मार्केट में, बहुत आसानी से मिल जाता है ये, वो डाल दिया मैंने थोड़ा सा। और अब इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। साथ ही में मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना विनेगर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून जितना ये सोया सॉस है वो ऐड कर रही हूँ। और अब इसे मैं इस तरह से फोर्क से मिक्स कर रही हूँ इनको। आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स बिल्कुल अलग अलग से हुए हैं, जिस तरह से हम मार्केट में लेके आते हैं और बहुत एक्साइटमेंट होता है हमें नूडल्स बाहर से लेने का। हम घर में ज़्यादातर इसीलिए बनाना प्रीफर नहीं करते क्योंकि ये हमेशा चिपक से जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब तामझाम मच जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड से करते हैं बनाने में। पर एक बार आप इस तरह से बना के देखिए, बहुत ईजीली बन जाते हैं, वेजिटेबल्स पूरे चले जाते हैं, और व्हीट वाले नूडल्स बनाने से हेल्थ वाइज भी हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, टेस्ट भी मिल जाता है और साथ ही में हेल्थ भी मेंटेन हो जाती है। तो हमारी वेज हक्का नूडल बिल्कुल रेडी हो गई है, तो आइए सर्व कर लेते हैं अब इसे एक बार। गर्मा गर्म नूडल्स तैयार है। तो लीजिए, रेडी है हमारी गर्मा गर्म हक्का नूडल्स, बनाइए इसे और एंजॉय जरूर कीजिए।